अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और क्या हाल चले? अच्छा दोस्तों, आज आपको मीडिया स्टार का एक मॉडल है, मीडिया स्टार MS V400, ठीक है। HEVC 265 सपोर्टेड है, 10 बिट है, 3G है, कंप्लीट एसेसरी के साथ, मेटल बॉडी में, डिजिटल डिस्प्ले के साथ, बहुत ही मुनासिब कीमत में। मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखा देता हूँ। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल कमांड इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको फौरन जो है डिटेल मिलती रहेगी। नए और पुराने रिसीवर हैं तो वो भी आप मेरे साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मीडिया स्टार का डिजिटल सेटेलाइट रिसीवर है, मेटल बॉडी में है, काफ़ी बड़ी बॉडी है और डिजिटल डिस्प्ले के साथ है, तमाम तो फीचर्स के साथ है। ये H265 सपोर्टेड है, लेकिन ये 4K नहीं है, और इसकी कीमत 13,500 रुपये है। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, ठीक है। HEVC H265 सपोर्टेड है, 10 बिट है, 3G है, ये भी ऑप्शन है इसमें, वाईफाई एंटीना इंक्लाउडेड है, काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का रिमोट है, 20,000 तक इसकी मेमोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। और GM स्क्रीन सपोर्टेड है, YouTube ओके है, लेटेस्ट अपडेट भी इसकी आ रही है, और काफ़ी सारे मेन फीचर्स भी यहाँ पे हैं। 16 पोर्ट डायसिक भी सपोर्टेड है, 10 पोर्ट डायसिक भी सपोर्टेड है, 8 पोर्ट वाले तमाम तक। पाल NTS का ऑप्शन भी है इसमें, फुल HD 1080p 60Hz तक ये भी ऑप्शन है इसमें। और जो LNBs वगैरह है उसमें से यूनिवर्सल भी सपोर्टेड है, सिंगल LNB भी सपोर्टेड है, सिंगल S वो भी सपोर्टेड है, और C-band वाइड रेंज जो कि आजकल बगला बादू वाली है वो भी सपोर्टेड है, ठीक है। और काफ़ी सारे फीचर्स हैं। अगर आपके पास कोई 3G USB है तो वो आप इसके अंदर डायरेक्ट लगा सकते हैं, 3G USB भी लगा सकते हैं, वाईफाई एंटीना लगा के वाईफाई पासवर्ड भी पुट कर सकते हैं, लैन कार्ड का ऑप्शन भी है, अगर आपके पास लैन वाला नेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। 16 MB का इसका फ्लैश IC है, अगर बाज़ूकात वो डेड हो जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट करने से तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं, वो IC आपको न्यू भी मिल जाएगा मार्केट से भी और हमसे भी, ठीक है। और वैसे तो रिपेयरेबल चीज़ है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है इस हवाले से मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, बाज़ूकात ऐसे भी होता है कि चीज़ें डेड होती हैं, रिकवर नहीं होती। एनीवे यही चीज़ है, 13,500 इसकी कीमत है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरे YouTube चैनल कमांडिशन इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। दोस्तों अभी मैं आपको LED स्क्रीन पे इसका रिव्यू करके दिखा देता हूँ, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। मीडिया स्टार MS V400 है, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ है, और HEVC है, 265 सपोर्टेड है, 10 बिट है, 3G है, ये डिजिटल डिस्प्ले इसका है, और ये मेटल बॉडी में है। मैं आपको तमाम तो रिव्यू करके दिखा दूँगा इसका, ये इसके मेन फीचर्स हैं, इनको भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इसकी मेमोरी चेक करें, रिमोट की क्वालिटी, वाईफाई एंटीना सब कुछ इसके साथ है, और ये इसके मेन फीचर्स हैं, इन मेन फीचर्स को भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसकी अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको कंप्लीट इसके अनबॉक्सिंग की डिटेल भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल इसके अंदर ये रिमोट है, रिमोट भी आपको मैं चेक करा देता हूँ, ये आप चेक करें, ठीक है फ्रेंड्स। ये रिमोट कंट्रोल है और ये इसकी बैक साइड है। इसके बाद इसके अंदर ये चेक करें, एक HDMI केबल है, ये भी आप देख सकते हैं HDMI केबल, और उसके बाद इसके साथ एक वाईफाई एंटीना है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये चीज़ है, और ये रिमोट के सेल है, ठीक है। अभी आपको रिसीवर निकाल के दिखा देता हूँ, इसमें एक यूज़र मैनुअल भी होगा, बिल्कुल यूज़र मैनुअल में जो है ना, मीडिया स्टार वालों ने यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी कर दी है, एक पेपर को जो है ये आप देखें प्रिंट निकाला है, या उन्होंने इसको फोटोकॉपी करके डाल दिया है, बहरहाल जो भी है फोटोकॉपी भी अच्छी है, लेकिन ये एक पेपर है, इसके ऊपर यहाँ पे वारंटी कार्ड भी बना दिया गया है, लेकिन ये यहाँ पे किसी काम का नहीं है, ठीक है। बेशक आप कहीं से भी लेते हैं ये बॉक्स तो आपको कोई वारंटी प्रोवाइड नहीं करेगा, जो करेगा वो आपसे गलत जानी करेगा। और इसके अलावा मैं आपको इसकी जो है अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, और LED स्क्रीन पर भी आपको इसका रिव्यू करके दिखा दूँगा। रैपर से हम ये निकाल लेते हैं रिसीवर, ये देखिए निकाल लिया है अभी, और ये इसका फ्रंट है, फ्रंट आपको दिखा देता हूँ, ये आप चेक करें, फ्रंट कवर खोल के देख लेते हैं, यहाँ पे एक USB पोर्ट है, ये चेक करें, और ये इसको बंद कर दिया, ठीक है। ये आप देखें मीडिया स्टार का लोगो है यहाँ पे, ये भी ऑप्शंस यहाँ पे मेंशंस है, और इसके अलावा ये इसकी बॉडी है, ये आपको मैं चेक करा देता हूँ, ये देखें, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इसकी बैक साइड है,
इसके अंदर ट्यूनर लगा हुआ है, ये आप देखें एल एन बी एन आउट का ऑप्शन है, यूएसबी 2.0 है, लैंड कार्ड का ऑप्शन, आरएस 232 केबल, और ये एच डी एम आई आउटपुट, ऑडियो वीडियो ऑन ऑफ बटन है, वारंटी सील, तमाम जो फीचर्स हैं इसके, ठीक है। और इसके आपको कंप्लीट अनबॉक्सिंग करके दिखा दी है, उम्मीद है मेरी ये अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल कमांडिश इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। का ऑफिशियल वर्जन है ये, आप देख सकते हैं ये इसके ग्राफिक्स वगैरह है, ये तमाम तरह इसके फीचर्स हैं। तो इसको जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो ये तमाम तरह फीचर्स इसके चेंज हो जाएंगे। अच्छा फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं ये अभी अपडेटेड है, और ये इसके मेन्यू के ग्राफिक्स वगैरह हैं, ये इसका थीम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन चेक करा देता हूँ। इसमें ये ऑप्शंस है, पैच मेन्यू, फैक्ट्री डिफॉल्ट, ये तमाम तरह फीचर्स हैं, ठीक है। तो हम एंटीना सेटअप इसका ओपन कर लेते हैं। इसमें जूम सिग्नल का भी ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप सेटेलाइट्स वगैरह भी सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप चेक करें, ट्रांसपोर्टर्स वगैरह भी है यहाँ पे, 13-18 वोल्ट का ऑप्शंस भी है, और डायसिक 1.0, 1.1 का भी ऑप्शन है। मोटर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और यूजुअल जो मोटर होती है वो भी इस पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सिंगल, मल्टी, टीपी, ब्लाइंड, ये तमाम तो फीचर्स हैं। इसके बाद ये फैक्ट्री डिफॉल्ट का ऑप्शन है, कुछ सेटिंग वगैरह आपसे ख़राब हो जाती है तो यहाँ से आप 1x1 डिलीट भी कर सकते हैं। ये इसकी मेन सेटिंग्स है, मेन सेटिंग्स में आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये रिसीवर का अबाउट अस है, इसके अलावा ये इसका जो है अबाउट एसटीबी है। अबाउट एसटीबी में रिसीवर की तमाम तरह डिटेल शो हो जाती है, ये आप चेक कर सकते हैं क्या इसका सीरियल है, क्या इसकी मेमोरी है, और कौन कौन से वाईफाई यूएसबी ये सपोर्टेड है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ है, और उसके अलावा कलर सेटिंग आजकल हर मॉडल में मौजूद है, छोटे बड़े रिसीवर में, ये पहले ऑप्शंस कुछ रिसीवर्स में था। इसके अलावा ये सी एच मैक्स ऑप्शंस है, ओएसडी सेटअप है इसका, ओएसडी सेटअप भी आप देख सकते हैं, पाल एन टी एस का ऑप्शन भी है यहाँ पे। जो डिस्प्ले मोड है वो 1080i50Hz है, और इसके अलावा ये इसकी सिस्टम सेटिंग है। सिस्टम सेटिंग में काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जो कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। वेदर बार भी इसमें मौजूद है, ये ऑफ है। ऑटो अपडेट, सीएफजी यानी कि यूट्यूब को भी आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम तो फीचर्स इसमें मौजूद है, ठीक है फ्रेंड्स। और M3U फाइल मोड भी है इसमें, और ये सारे ऑप्शन इसमें बिल्कुल अभी मौजूद हैं। और उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। इस बॉक्स के मुताबिक आपको तमाम तरह रिव्यू चेक कर दिया है। ये नेटवर्क है, इसमें वाईफाई बिल्ट इन नहीं है, हम वाईफाई एंटीना लगाएंगे तो तमाम तरह डिटेल आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।